नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज डूबते सूर्य को अर्घ देंगे छठ व्रती। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों पर दिखाई सख्ती। बीपीएससी यूजीसी नेट और यूपीएससी परीक्षाओं के हिसाब से बनेगा विश्वविद्यालयों का सिलेबस। पटना हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण को बताया अपर्याप्त। कोहली को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, आज साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी रोहित आर्मी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज डूबते सूर्य को अर्घ देंगे छठ व्रती। चार दिवसीय छठ पूजा महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाय से हुई। बीते दिन खरना का प्रसाद खाकर छठ व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर हैं। वहीं छठ पूजा का तीसरा दिन काफी खास माना जाता है, जो कि आज है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अर्घ के सूप को फल, ठेकुआ और चावल के लड्डू से सजाया जाएगा और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मौसम विभाग की समय सारणी के अनुसार बिहार में 30 अक्टूबर को यानी आज सूर्यास्त का समय 4:58 से 5:17 तक शाम के बीच होगा। वहीं 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर इस महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। इससे पहले गांव हो या शहर, छठ पर्व को लेकर चारों तरफ चहल पहल देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 60 पदों पर निकाली वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी निकाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी प्रोफेशनल के पदों पर भर्तियां की जानी है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 नवम्बर 2022 है। इसके लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीई या बीटेक डिग्री पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों से अनुभव की मांग की गई है। अलग अलग पदों के लिए अनुभव अलग अलग निर्धारित है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in या career.htm पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ब्राह्मणी घाट स्थित सूर्य मंदिर इस वजह से है बेहद खास। अभी पूरे प्रदेश में छठ पूजा का माहौल है। भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जा रही है। इस बीच आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के गया स्थित ब्राह्मणी घाट। आपको बता दें कि ब्राह्मणी घाट में एशिया की सबसे बड़ी भगवान सूर्य की प्रतिमा है। सतयुग से यह प्रतिमा स्थापित मानी जाती है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि यह प्रतिमा अत्यंत ही दुर्लभ है। वहीं गया में उदयीमान, मध्यान्हकाल और संध्याकालीन प्रतिमा के रूप में भी भगवान भास्कर विराजमान है। पीतामहेश्वर में उत्तरायण सूर्य, सूर्यकुंड में दक्षिणायन सूर्य और ब्राह्मणी घाट में दोपहर के भगवान बिरंची के रूप में भगवान भास्कर विराजमान हैं। गया शहर में यह तीनों मंदिर चंद मीटर की दूरी पर पंचकोशी गया जी तीर्थ में स्थापित है। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों पर दिखाई सख्ती। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों पर सख्ती दिखाई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की सभी विधानसभाओं की मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। एक मतदाताओं के दो फोटो के मिलान पर राज्य के ऐसे 9,81,921 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। राज्य में समरूप फोटो के आधार पर पटना जिले में 1,00,000 मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। इसके अलावा दरभंगा जिला में 58,858 मतदाता का नाम सूची से हटाया गया है। मधुबनी जिले की सूची से 47,558 डुप्लीकेट वोटरों का नाम हटाया गया है। तो वहीं सीतामढ़ी जिले की मतदाता सूची से 46,903 डुप्लीकेट वोटरों का नाम दोहरे फोटो के आधार पर हटाया गया है। बिहार में धान की खरीद इस दिन से होगी शुरू। बिहार में धान की खरीद अब शुरू होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में 1 नवंबर से सरकार धान की खरीद शुरू कर देगी। धान की खरीद पूरी पारदर्शिता के साथ करने और बिचौलियों और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में दी है। वहीं 11 सूखा प्रभावित जिलों में धान के पैदावार के संबंध में सटीक जानकारी लेने को भी कहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने धान की सामान्य श्रेणी के लिए समर्थन मूल्य 2,040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए 2,060 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। पहले चरण में उत्तर बिहार से धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी, जबकि दूसरे चरण में 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में धान की खरीद होगी। उपचुनाव में तैनात रहेंगे 30 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां। मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में मतदान का समय नजदीक आ गया है, जो कि छठ खत्म होने के बाद 3 नवंबर को होना है। इस बीच बिहार पुलिस प्रशासन ने भी अब पहले छठ तो वहीं इसके बाद उपचुनाव को लेकर भी कमर कस लिया है। बिहार में होने वाले दोनों सीटों मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियां तैनात रहेंगी। इसके अलावा बिहार पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। दरअसल विधानसभा के पूरे क्षेत्र को कई सेक्टर में बांटने की व्यवस्था की गई है। एरिया डोमिनेशन में
बिहार विशेष सशस्त्र बल के जवान मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा दोनों विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर वहां सुरक्षा बल और पुलिस बल के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो और लोगों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव किया जा सके। वहीं एडीजी जितेंद्र गंगवार ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे चंदन तिवारी की। चंदन तिवारी बिहार की एक भारतीय लोक गायिका हैं। वह लोक गायिका के रूप में जानी जाती हैं और भोजपुरी, नागपुरी, अवधी और हिंदी में गाती हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी बिस्मिल्ला खान सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोलकाता में भोजपुरी कोकिला द्वारा सम्मानित किया गया है। बैग फिल्म्स न्यूज 24 ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक लोक गायिका का पुरस्कार दिया है। वह भारतीय लोक संगीत में अपने योगदान के लिए इंडिया टुडे पत्रिका की कवर स्टोरी में दिखाई दी। वह पूर्वी सोहर, पचुरा गांधी गीत, नदी गीत, छठ गीत, कजरी और ठुमरी जैसे लोगों के विभिन्न रूपों में गाती रही हैं। चंदन तिवारी का जन्म बड़का गांव भोजपुर जिला बिहार में हुआ था। उनकी परवरिश झारखंड के चास बोकारो में हुई थी। अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त। अवैध खनन को लेकर पटना प्रशासन सख्त हो गया है। अवैध बालू खनन रोकने और बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने एक विस्तृत प्लान बनाया है। बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आमनावाद और कोयलवर के बीच पीपा पुल बनेगा। पीपा पुल बनने के बाद अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगा। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि जब तक पीपा पुल के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है तब तक के लिए दो स्पेशल टीमें लगाई गई हैं। पीपा पुल बन जाने के बाद भोजपुर और पटना की ओर से ज्वाइंट टीम को तैनात किया जाएगा। इस टीम में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ परिवहन विभाग और खनन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद पीपा पुल सिर्फ सामान्य नाव के लिए ही खुलेगा। बालू लदे हुए नाव को खनन क्षेत्र में ही रोक दिया जाएगा। बीपीएससी, यूजीसी, नेट और यूपीएससी परीक्षाओं के हिसाब से बनेगा विश्वविद्यालयों का सिलेबस। बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अगले सत्र से स्नातक के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। सिलेबस बदलने की जिम्मेदारी राजभवन के कंधे पर है, जो कुलपतियों की कमेटी बनाकर सिलेबस बदलने का काम पूरा करेगा। नया सिलेबस नेट, बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षाओं को देखते हुए बनाया जाएगा। इसके बाद राजभवन की ओर से विश्वविद्यालयों को स्नातक का नया सिलेबस भेजा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में अब एक ही सिलेबस रहेगा। यह सिलेबस पटना विश्वविद्यालय के सिलेबस की तर्ज पर होगा। पटना विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ स्नातक में CBCS लागू कर दिया है। बता दें कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS में छात्रों को नंबर की जगह ग्रेड और क्रेडिट दिया जाता है। CBCS में बदलाव के बाद कॉलेज इंटरनल परीक्षा लेंगे, विश्वविद्यालय एक्सटर्नल परीक्षा लेगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की स्वीकार्यता बढ़ेगी और नई शिक्षा नीति के तहत छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। SBI के कर्मियों को बंधक बनाकर लूट लिए लाखों रुपए। बेखौफ अपराधियों ने भारतीय स्टेट बैंक में दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां लुटेरों ने बैंक और ग्राहकों से बदमाशों ने लगभग 4.5 लाख रुपए लूट लिए। वहीं बैंक के गार्ड और एक ग्राहक को भी रिवॉल्वर के बट से मारकर घायल कर दिया। रोचक तथ्य यह है कि ब्रांच के बगल में ही जदयू के राज्यसभा सांसद का घर है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 6 की संख्या में हथियारबंद नकाबपोश अपराधी बैंक में दाखिल हुए और बंधक बनाकर बैंक से 2.5 लाख लूट लिए, तो वहीं ग्राहक से 2 लाख लूट लिए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SP दल बल मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटे। कांस्टेबल के 24,000 से अधिक पदों पर निकली भर्तियां। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने विभिन्न फोर्स BSF, CISF, CRPF, SSB जैसे बलों में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के 10वीं पास का सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। पटना हाई कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण को बताया अपर्याप्त। आम जनता का आपराधिक न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे, ये सबसे आवश्यक बात है। ये उक्त बातें जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य पुलिस द्वारा सही ढंग से व स्तरीय जांच नहीं किए जाने के मामले पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा। बीते दिन अधिवक्ता ओम प्रकाश की जनहित याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में पुलिस बल में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के वर्तमान प्रशिक्षण को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि आज जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उसके मद्देनजर
पुलिसकर्मियों को व्यवहारिक, स्तरीय और प्रभावी प्रशिक्षण की जरूरत है। कोच ने अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि आम जनता को न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास मजबूती से बना रहे। पहले अर्घ के दिन कुछ ऐसा रहेगा मौसम। बिहार की फिजा में छठ के लोकगीत घुल गए हैं, वहीं मौसम भी छठी मैया का स्वागत करने को तैयार है। छठ के दौरान मौसम में ठंडी रहेगी और सुबह शाम हल्का कोहरा भी रहेगा। इस दौरान भगवान भास्कर खिलकर छठ व्रतियों को दर्शन देंगे। छठ में आज पहले अर्घ के दिन शाम को तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान व्रतियों को सावधान रहने की जरूरत होगी। जो भी श्रद्धालु घाट पर रहेंगे उन्हें गर्म कपड़ों के साथ रहना होगा। इस दौरान पछुआ हवा का प्रवाह रहेगा, साथ ही मौसम में ठंड बरकरार रहेगी। इस स्थिति में श्रद्धालुओं को खुद का ख्याल रखना होगा, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को घाट पर गर्म कपड़े के साथ जाना होगा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान में तापमान में गिरावट की बात कही गई है, हालांकि इन 5 दिनों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। विश्वविद्यालय शिक्षक और कर्मियों के लिए खुशखबरी। विश्वविद्यालय शिक्षक और कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को अगस्त से अक्टूबर तक 3 माह के वेतन और पेंशन के लिए 1,801 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसको लेकर महालेखागार को पत्र लिखा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन और बकाया महंगाई भत्ता भुगतान के लिए 817,89,23,545 रुपए दिए हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा समाप्ति का लाभ और बकाया महंगाई राहत भुगतान के लिए 983,53,39,740 रुपए दिए हैं। इससे बिहार के लगभग 28,000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को फायदा हुआ है। कोस्टारिका से पढ़ने बिहार आई फिल्म स्टार की बेटी। भारतीय संस्कृति में जिला मुख्यालय मोतिहारी के रहने वाले प्रभाकर शरण ने लैटिन अमेरिकी देश कोस्टारिका में रहने वाली अपनी 14 साल की बेटी को बिहार के मोतिहारी में पढ़ने के लिए भेजा है। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी का नामांकन एक प्राइवेट स्कूल के 7वीं कक्षा में करवाया है। उनकी बेटी प्रिया बिहार आकर अपने पुरखों की संस्कृति और संस्कार को समझ रही है। प्रिया पर एक फिल्म का भी निर्माण कराया जा रहा है। फिल्म डायरेक्टर शकीब शेख कहते हैं कि प्रिया पर उसके पिता एक फिल्म बना रहे हैं जो कोस्टारिका के फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। फिल्म का थीम प्रिया के ऊपर है क्योंकि कोस्टारिका से मोतिहारी आई और यहाँ रहकर यहाँ के कल्चर से रूबरू होने के साथ पढ़ाई कर रही है और यहाँ के पर्व को कैसे उल्लासपूर्वक मना रही है उसी पर फिल्म बन रही है। छठ के बाद अपने कर्मभूमि पर वापस जाने में नहीं होगी दिक्कत। छठ महापर्व के दौरान ही नहीं बल्कि छठ पूजा खत्म होने के बाद वापस अपने कर्मभूमि को लौटने के लिए भी पूर्व मध्य रेल ने आपका इंतजाम कर दिया है। छठ महापर्व के बाद यात्रियों को वापसी में सुगम और सुविधाजनक यात्रा मुहैया कराने के लिए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे जो कि 31 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक चलेगा। पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, अमृतसर, कोटा आदि स्टेशनों के लिए होगा। प्रशासन द्वारा नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जा रही है। यात्री हित में इसके अतिरिक्त भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है। वहीं ट्रेन के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप पूर्व मध्य रेल के आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। संतोष ट्रॉफी के लिए इस दिन से होगा बिहार की टीम का चयन। राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी के लिए बिहार फुटबॉल का चयन एवं प्रशिक्षण शिविर 6 नवंबर यानी 6 नवंबर से सारण के परसा बाजार में शुरू होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में ट्रायल हेतु साकेत कुमार एवं संतोष कुमार को पीएन कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड परसा अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जिला का NOC, 4 रंगीन फोटो के साथ खिलाड़ी रिपोर्ट करेंगे। वहीं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल के लिए बिहार महिला टीम का चयन सह प्रशिक्षण शिविर 12 नवंबर से बेगूसराय में आयोजित किया जाएगा। बिहार में सबसे अधिक पैदल चलने वाले सड़क दुर्घटना में गंवा रहे अपनी जान। बिहार में सड़क दुर्घटना से हो रही मौतों में सबसे अधिक पैदल चलने वाले शिकार हो रहे हैं। परिवहन विभाग की ताजा रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि 2021 में कुल 9,553 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें 7,660 लोगों की मौत हुई है। इनमें पैदल चलने वाले 3,288 लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं और 2,798 लोग की जान चली गई है। इस तरह कुल मौतों में 34% शिकार पैदल चलने वाले ही हुए हैं। दूसरे पायदान पर दोपहिया चालक हैं। दोपहिया चालकों में 3,123 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें 2,657 लोगों की जान गई है। कुल मौतों में 33% शिकार दोपहिया चालक हुए हैं।
मुकामा गोपालगंज के बाद अब कुजनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। अभी मुकामा और गोपालगंज का विधानसभा उपचुनाव खत्म भी नहीं हुआ है कि हाल में ही खाली हुई मुजफ्फरपुर के कुजनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तरफ भी भाजपा ने अपना ध्यान लगा दिया है। यहां पार्टी का चेहरा कौन होगा इसको लेकर जब राम सूरत राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा कैंडिडेट तो वहां पहले से है, समय आने पर बता दिया जाएगा। उनका इशारा पूर्व विधायक केदार गुप्ता की तरफ था। उनकी बातों से स्पष्ट है कि केदार गुप्ता की भाजपा प्रत्याशी होंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुकामा और गोपालगंज में भाजपा भारी मतों से जीतेगी और इसके बाद कुजनी उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर कसा तंज। राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर तंज कसते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार के पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल का अपराधी एवं माफियाओं को संरक्षण एवं पोषण करने का इतिहास रहा है। विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य के सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में राजद के संरक्षण में शराब का अवैध व्यापार चल रहा है और उसी कारण शराबबंदी विफल हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वह राजद के आपराधिक कारनामों पर अपना मुंह बंद रखें, अन्यथा राजद उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पद से हटा देगा। राज्य में बालू खनन का अवैध कारोबार भी राजद के माफियाओं के संरक्षण में चल रहा है। आए दिनों बालू घाटों पर गोलीबारी हो रही है। आदेशों का धता बताकर अवैध खनन इन माफियाओं की दिनचर्या बन गया है। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बीते दिन बैठक की है। कार्यकर्ताओं को कई निर्देश भी दिए हैं। गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव दो दिन से वहां डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने जमकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था। वह वहां के लोगों से मिल रहे हैं और आरजेडी प्रत्याशी के जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं बीते दिन बैठक में उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही पार्टी को उपचुनाव में जीत दिलाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके अलावा तेजस्वी यादव क्षेत्र में पार्टी की दावेदारी मजबूत करने को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोहली को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, आज साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी रोहित आर्मी। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेहतरीन पारी खेलने के बाद विराट कोहली को खूब सराहना मिल रहा है। अब BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने भी उनकी तारीफ की है। BCCI अध्यक्ष का कहना कि विराट कोहली को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, उनका योगदान ही काफी है उनके बारे में बताने के लिए। वहीं आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया के हौसले इस समय सातवें आसमान पर है क्योंकि उसने अपने दोनों शुरुआती मुकाबले जीते हैं। भारतीय टीम 4 अंक लेकर टॉप पर है। साउथ अफ्रीका के 2 मैचों से 3 अंक हैं और वह दूसरे नंबर पर काबिज है। यह मैच शाम 4:30 बजे से खेला जाना है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान नीदरलैंड से भिड़ेगी। यह मुकाबला दोपहर 12:30 बजे होना है। वहीं आज का पहला मुकाबला 8:30 बजे से बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत संयुक्त राष्ट्र में 1945 को शामिल हुआ। भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक 1956 में खुला। भाजपा के प्रसिद्ध नेता तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल भाई महावीर का जन्म 1922 में हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार वरुण डे का जन्म 1932 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ प्रमोद महाजन का जन्म 1949 में हुआ। भारत की महिला पिस्टल निशानेबाज राही सरनोबत का जन्म 1990 में हुआ। महान चिंतक तथा समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का मृत्यु 1883 में हुआ। प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर का निधन 1974 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर का मृत्यु 1984 में हुआ। भारत के मशहूर और लोकप्रिय अभिनेता विनोद मेहरा का निधन 1990 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक शांताराम का निधन 1990 में हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार रॉबिन शॉ का निधन 2014 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी कपिल सिब्बल के बयान के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पूर्व केंद्रीय IT मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए एक बयान के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि पूर्व केंद्रीय IT मंत्री कपिल सिब्बल ने एक बयान में दावा किया कि संशोधित IT नियमों के तहत मानहानिकारक बयान देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। PIB ने इस दावे को फेक बताया है और कहा है कि संशोधित IT नियमों में अभियोजन के लिए कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा गया है। ऑनलाइन यूजर्स की सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाया नया कदम। केंद्र सरकार ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में बदलाव की घोषणा की है जिसके तहत इसे कुछ शक्तियां दी गई हैं जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी टॉप सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य इंटरनेट फर्मों के विभिन्न उल्लंघनों पर यूजर्स के अकाउंट को निलंबित, ब्लॉक या रिमूव करने के निर्णयों को ओवरराइड कर सकती है। शिकायत पैनल की स्थापना के माध्यम से सरकार को ओवरराइड शक्तियां देने वाले उपाय को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है जो भारत में अपनी कंटेंट मॉडरेशन प्रैक्टिस और अन्य निर्णयों को लेकर रेगुलेटरी के अधीन है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंतोष कुमार महतो, उमेश ऋषिदेव, भीम कुमार गुप्ता, महेंद्र कुमार, कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया, रविशंकर, रविंद्र पासवान, अतीक खान, आदित्य कुमार, शिव कुमार पासवान और सरिता पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप विश्वविद्यालयों में लागू होने वाले नई शिक्षा नीति से संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।